हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किस फॉर्म को बोलेंगे। तो हम अपने से लेट y बराबर हम मान लेते हैं sinx, लेट y बराबर क्या मान लेते हैं sinx। यदि हम यहां पे इस साइन को इधर इस फॉर्म में भेज दिया, यानी राइट वाले साइड को लेफ्ट में भेज दिया, तो यहां पे बन गया क्या sin इनवर्स क्या y इज इक्वल टू x। इस फॉर्म को बोलेगा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होती है वो छह होती है। पहला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो हम बारी बारी से हम जानेंगे डोमेन और रेंज के बारे में इसके। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होती है क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक, और जो रेंज होती है यार क्लोज इंटरवल -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब देखेंगे हम सेकेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन, कॉस इनवर्स। तो यहां पे कॉस इनवर्स का जो डोमेन होती है क्लोज इंटरवल -1 से बड़ा और 1 से छोटा, और जो रेंज होती है यार 0 से बड़ा और पाई से छोटा। अब हम चलेंगे थर्ड टैन इनवर्स फंक्शन में। तो इसका जो डोमेन होती है वो कौन सी नंबर होती है, रियल नंबर, और इसका जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या छोटा। अब हम जानेंगे कॉट इनवर्स का फंक्शन के बारे में। तो इसका रेंज होता है इसका जो डोमेन होता है वो कौन सी नंबर होती है, रियल नंबर, और क्लोज जो रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 से बड़ा और पाई से क्या छोटा। अब हम जानेंगे फिफ्थ सेक इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इसका जो डोमेन होता है रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से लेके कहां तक, 1 तक। कहने का मीन से यार रियल में से किसको छोड़कर, माइनस किसको छोड़कर, -1 से बड़ा और 1 से छोटा को छोड़कर। और क्लोज इंटरवल इसका जो रेंज होती है 0 से बड़ा और पाई से क्या छोटा, जीरो से लेके कहां तक पाई तक, किसको छोड़कर -π/2 को छोड़कर। अब हम जानेंगे फंक्शन यानी कॉसेक इनवर्स फंक्शन के बारे में। तो इसका जो डोमेन होता है रियल में से किसको छोड़कर, तो ओपन इंटरवल -1 और किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, और इसका रेंज हम जानेंगे -π/2 से कहां तक, π/2 तक, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो आप लोग इसके बारे में जान ही चुके होंगे। तो अब यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए कोडांस होती है, ट्रिग्नोमेट्री कोडांस होती है बहुत ही जरूरी है। तो अब हम चलेंगे किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री कोडांस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री कोडांस, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो पहला नंबर ई आर, ई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब हम मूव करेंगे, तो एंगल जो मूव करेंगे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है,
एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो हमारा एंगल जो होगी ऑलरेडी पॉजिटिव होगी, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा एंगल जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो चलो अब हम मूव करते हैं कहां से, तो जीरो डिग्री से। चलो यहां से ये पहला नंबर, ये कौन सी डिग्री है, जीरो डिग्री। अब हम मूव करेंगे यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से हमारा एंगल जो होती है ऑलरेडी क्या होती है, पॉजिटिव। तो चलो मूव करते हो यहां से यहां तक गए, तो पहला नंबर हम जीरो से हम यहां जैसे पहुंच गए तो यहां पे एंगल जो बनेगी वो कितने डिग्री का, पाई बाई टू का। जब यहां से वाई एक्सिस से एक्स डैश एक्सिस पे आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा 90 डिग्री और इंक्रीज हो जाती है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पे जो डिग्री बनती है वो कितना डिग्री, पाई डिग्री। अब देखो फिर आओ एक्स डैश से वाई डैश की ओर मूव करते हैं तो यहां पे फिर 90 डिग्री इंक्रीज कर जाती है, तो यहां पे बन गया 3π/2 यानी 270 डिग्री। जब यहां से फिर हम यहां पे एक्स एक्सिस पे जहां से हम स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच जाते हैं तो हमारा वन रोटेशन पूरा हो जाता है, और जब वन रोटेशन जब पूरा होता है यार तो इस कंडीशन में 2π का एंगल्स बन जाती है, कितने पाई का, 2π का। तो अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव, सेकेंड रोटेशन करते हैं, फिर यहां पे मूव करते हैं यार सेकेंड रोटेशन में तो पाई बाई टू फिर बढ़ जाता है, तो यानी कहने मतलब 2π प्लस पाई बाई टू, कहने का मतलब दुदुनी चार, चार अवे पांच, यहां पे 5π/2 हो जाएगा जब हम सेकेंड रोटेशन कंप्लीट। आप देखो हम वाई यहां पे सेकेंड रोटेशन में एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर आ गए, अब हम वाई एक्सिस से जब एक्स एक्सिस की ओर मूव करते हैं सेकेंड रोटेशन फिर पाई बाई टू पड़ता है, तो यानी कहने का मतलब पाई बाई टू पड़ेगा यार, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3π। अब जब 3π से फिर हम यहां पे मूव करते हैं तो हमारा 90 डिग्री फिर इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होता है तो इसमें जोड़ दो 3π/2 प्लस पाई बाई टू, देखो दो दो कैंसिल कितना हो जाएगा 3π प्लस कितना पाई बाई टू, यहां पे तीन दो नहीं छह और एक सात यानी 7π/2 कितना हो गया 2। अब जब यहां वाई डैश से एक्स एक्सिस के पास पहुंचते हैं सेकेंड रोटेशन में तो हमारा फिर 90 डिग्री बढ़ जाता है यार, तो यहां पे कहने का मतलब है कि 4π हो गया, कितना पाई 4π। अब हम चलेंगे फिर देखेंगे थर्ड रोटेशन में, तो थर्ड रोटेशन अब स्टार्ट करते हैं कौन सा एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। अब यहां पे फिर आते हैं कहां, वाई पे, वाई एक्सिस पे, तो हमारा 90 डिग्री फिर इंक्रीज करता है तो यहां पे हो जाएगा कितना 9π/2, कितना यार 9π/2, देखो जोड़ के बता दे 4π + π/2 जोड़ दो, तो कहने का मतलब है 4 × 2 = 8, 8 + 1 = 9 यानी 9π/2 कितना 2। अब देखो फिर यहां से यहां पे आओ तो फिर यहां पे कितना डिग्री का बढ़ा, 90 डिग्री का, तो यहां पे 90 डिग्री का बढ़ा तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो 5π हो जाएगा, कितना पाई 5π। अब देखो फिर यहां से यहां तक जा यानी एक्स डैश से कहां वाई डैश की ओर, तो यहां पे फिर 90 डिग्री इंक्रीज हुआ, तो यहां पे कहने का मतलब 90 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 11π/2 जोड़ के बता दें, यानी 5π + π/2 जोड़ दो, तो 5 × 2 = 10, 10 = 11, 11π/2 कितना 2। अब देखो यहां से हम फिर यहां पे पहुंचे तो कितने डिग्री फिर इंक्रीज हुए, 90 डिग्री, यानी यहां पे 11π/2 + π/2 कर दो, तो यानी 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी 11 और कितना बाबरे 12, 12 में 2 से भाग दो तो कितना पाई 6π। यानी हमने समझ गया क्या कि हमने थर्ड रोटेशन जब कंप्लीट किया तो यहां पे जो एंगल्स बने यार कितने का, 6π का। चलो अब हम फोर्थ रोटेशन करते हैं एंगल पे, और कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से हमारा एंगल का जो होता है इंक्रीज होता है। तो चलो फिर फोर्थ रोटेशन करते हैं,
तो चलो यहां पे 90 डिग्री फिर बढ़ा, 90 डिग्री बढ़ा यार, तो यहां 6π मिल, यानी ये भी देख लो यार, जब हमने थर्ड रोटेशन किया तो यहां जो पीरियड इंक्रीज कर रहा है ना, यहां पे देखो कितने का अंतराल पे, 4 का, यहां पे देखो यानी 4, यहां फिर इंक्रीज 4 किया तो ये कितना हो गया 9π हो गया। तो यहां आपकी फोर्थ रोटेशन में तुम अपने खुद से बोल देगा कितना, 13π/2। अब देखो यहां देखो कितने का पीरियड चल रहा, 2-2 का इंक्रीज इन डायरेक्शन, यानी यहां पे 5π के बाद कितना पाई आ जाएगा, 7π। अब देखो यहां से हो गया यहां तक पहुंच गया यार फोर्थ रोटेशन में, अब यहां पर भी देखो कितने का अंतराल पे चल रहा है, तो 4 के अंतराल पे चल रही है, नहीं 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, तो हमें मालूम चल गया इस अंतराल को देखते हुए कितने का पीरियड इंक्रीज किया, 4 का, तो 11 और 4 कितना हो गया 15, यानी 15π/2 कितना 2। अब देखो अब हम चलते हैं, जब यहां पे फिर बढ़ गए हैं तो हमें मालूम चला कि इसको देख के हमें मालूम चल रहा है कि ये पीरियड कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का, तो बोलो 2 4 6, अब ये आएगा कितना 8, यानी हमें हमें कितने रोटेशन कंप्लीट किए, 4 रोटेशन, 1 रोटेशन में 2π, 2 रोटेशन में 4π, 3 रोटेशन में 6π और तो 4 रोटेशन में 8π। अब चलते हैं हम फिफ्थ रोटेशन में, तो फिर 90 डिग्री का बढ़ा, तो इसको हम देख के अब बता देंगे, क्या मालूम चल रहा है ना कि अब देखो ये 4 के अंतराल पर, 13 और 4 कितना हो गया 17π/2। अब देखो यहां पे बताओ, आओ आओ, यहां देख रहा था कितने का पीरियड, 2 का पीरियड, यानी 7 के बाद कितना 9π हो गया। अब देखो यहां से फिर आओ यार, तो फिर कितने का रोटेशन, कितना इंक्रीज किया, 90, तो हम पीरियड देख के अब बताएंगे, जोड़ेंगे नहीं, अब पीरियड देख के बताएंगे, अब 15 में 4 जोड़ दो, 19π/2। अब देखो फिर यहां पे आओ तो बोलो कितना पाई हो जाएगा, 10π, बोलो अब तुम लोग बता देगा। अब देखो यहां पे अब तुम लोग के मालूम चल गया कि अब यहां पे आने वाले जो पीरियड हमारा इंक्रीज करेंगे ना सिक्स रोटेशन में, तो आने वाला कितना हो जाएगा 17 और 4 कितना 21π/2। अब देखो फिर यहां पे आओ यार, तो यहां पे 9 के बाद कितना हो जाएगा 11π। अब बताओ फिर यहां पे आओ तो 19 और 4 कितना हो गया 23π/2। अब बताओ फिर सिक्स रोटेशन करोगे तो यहां पे हो जाएगा कितना पाई 12π। तो हमें इस कंसेप्ट को हमको देख के मालूम चल गया क्या, अब हमें हम जो डायरेक्शन मूव कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें बताओ एंगल का जो होता है इंक्रीज होता है, तो हम जानेंगे क्या, अब फोकस करेंगे। अब देखो इसमें अब रही बात कोडांट, ये आपका फर्स्ट कोडांट है, फर्स्ट कोडांट ये आपका है, सेकेंड कोडान, कोडान ये आपका है, थर्ड कोडान ये आपका है, फोर्थ कोडान, फोर्थ कोडान, मतलब हम करने का मतलब है जैसे जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा एंगल और भी कच करेगा, इंक्रीज करेगा। चलो तो अब देखिए हम कोडांस के बारे में जान गए, ये है फर्स्ट कोडान, सेकेंड कोडान, थर्ड कोडान और ये फोर्थ कोडान। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6, पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसे। तो हम जानेंगे फर्स्ट कोडान में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने, 6, तो यहां पे लिखेंगे का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड क्या कॉसे, काची बापरे पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोडांट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब देखो हम सेकेंड कोडांट में आ रहे हैं, तो सेकेंड कोडांट में जो होती है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती है लेकिन ऑल काची नेगेटिव, तो यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव लेकिन ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव का इट मींस
टैन कॉट सेक और क्या कॉस, ये आपका कच होगा नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो होती है वो टैन और कॉट, टैन और कॉट का जी पॉजिटिव लेकिन ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव में कौन, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, इसको छोड़कर, यानी साइन और कॉस का जी हो गया नेगेटिव और सेक और कॉस का जी नेगेटिव लेकिन टैन और कॉट पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव लेकिन ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव हो किसको, तो यार टैन कॉट साइन ऑफ कॉस सेक हमारा काज होगा नेगेटिव होगा। तो अब हम चलेंगे, अब इस पे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला भी यूजेज करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे आप लोग जाने को पहला नंबर साइन माइनस थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यार साइन इंटू जीरो डिग्री माइनस थीटा, यानी ये कौन सा एक्सिस पे बिलोंग किया तो ये भी जान जाएगा। पहला नंबर एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नो चेंज। अब देखो सेकेंड क्या है, वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, y एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जी हो गया चेंज, तो आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो हम फॉर्मूला कुछ कुछ बताते हैं और फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो साइन इंटू माइनस थीटा बराबर होता है साइन इंटू जीरो माइनस थीटा, तो लिख देंगे तो ये जीरो जो है कौन से एक्सिस पे बिलोंग किया, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस यार अब तो माइनस में है तो ये कौन सी कोडान में आ गई, फोर्थ कोडान में, यानी जीरो से ये छोटा न है तो जीरो से छोटा कौन सी कोडान में, फोर्थ कोडान में, और फोर्थ कोडान में ये साइन का जो होता है नेगेटिव, आई वाला छुटका ये तो समझ गए साइन साइन होगा यहाँ पे। अब देखो कॉस इंटू जीरो डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा एक्सिस पे बिलोंग किया, एक्स एक्सिस, चेंज की नो चेंज, नो चेंज यानी कॉस, और ये थीटा सटा के लिख देंगे। अब ये कौन सी कोडान में लाइक कर रहा, फोर्थ कोडान में, फोर्थ कोडान में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, टेन इंटू जीरो डिग्री माइनस थीटा यानी कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी हो जाएगा टेन थीटा, और कौन सी कोडान, फोर्थ कोडान में क्या होता है नेगेटिव। अब देखो कॉट इंटू जीरो डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा एक्सिस पे बिलोंग किया, एक्स एक्सिस, चेंज की नो चेंज, नो चेंज, यहां पे लिखेंगे कॉट थीटा, ये कौन सी कोणान, फोर्थ कोणान में क्या होगा नेगेटिव। तो अब देखो यहां पे सेक इंटू जीरो डिग्री माइनस क्या थीटा, यहां पे हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन ये कौन से कोणान में है, फोर्थ कोणान में, क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो कॉस एक जीरो डिग्री माइनस थीटा, ये कौन से एक्सिस पे बिलोंग किया, एक्स एक्सिस पे, तो नो चेंज, तो यहां पे हो जाएगा कॉस एक थीटा, लेकिन कौन से कोणान में, फोर्थ कोणान में, क्या होगा नेगेटिव। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आपको ऑलरेडी समझ में आ ही चुका होगा, तो आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे होंगे, तो ना तो ये मोबाइल से देख रहे हो, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो इस पेन और कॉपी से इस वीडियो को स्किप करके लिख लीजिए, ठीक है। तो चलो अब यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम जानेंगे प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से हम ये एनसीईआरटी का ऑल सॉल्यूशन हम करेंगे आसान तरीके से। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये क्या है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा बराबर कितना थीटा, और कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया थीटा, और सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर का थीटा, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या थीटा। तो हमें मालूम चल गया यार ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे,
साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉट इंटू कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा, सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर क्या थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो क्या प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में यार कि साइन इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थर्ड में टेन इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या थीटा। अब देखो सेक इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर पाई पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अब बताओ कॉसेक इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स क्या थीटा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पढ़ेंगे यार। तो फोर्थ में क्या है साइन इनवर्स वन बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन इसका कंडीशन क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन या एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब हम चलेंगे सेकेंड कॉस इनवर्स वन बाई एक्स बराबर फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स, यहां पर वही कंडीशन यार एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन या एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब हम चलेंगे थर्ड फॉर्मूला में टेन इनवर्स इंटू वन बाई एक्स बराबर फॉर्मूला होती है कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन इसका कंडीशन क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, बहुत ही आसान। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई टू। यानी ये पांच प्रॉपर्टी से हम जो 2.1 चैप्टर जो है बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, और एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन और साथ ही साथ एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन अब सीखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का 2.1 का मिसलेनियस क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो यार पहला नंबर अब देखो हम गिवन दैट तेरा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट यानी क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वैल्यू यार साइन इनवर्स 1/√2। यहां पे अब बताओ यहां पे साइन इनवर्स है तो यहां पे जब भी मान एंगल्स का पुट करेंगे साइन के फॉर्म में पुट करेंगे। तो बताओ साइन अति साइन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो यहां पे लिखेंगे क्या साइन इनवर्स 1/√2, यहां पे साइन पाई बाई कितना लिखेंगे 4। तो यहां से हम यूजिंग फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो यहां पे थीटा के रूप में कितना यूजिंग फॉर्मूला हम क्या जाने तो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या थीटा। तो आप देखेंगे यार थीटा के रूप में कितना पाई बाई फोर आ गया, ये आपका आंसर। अब रही बात सर ये आंसर आपका सही है, तो हाँ आंसर सही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज में क्या रेंज में साइन का जो वैल्यू होती है माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा। तो बोलो इसके बीच में आया कि नहीं यार, तो ये हमारा आंसर क्या है सही है। ओके तो अब चलेंगे हम फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉट इनवर्स माइनस वन बाई क्या। तो आगे सबसे पहले एक चीज क्या देखना है कि यहां पे गिवन डैट के रूप में क्या दिया हुआ आगे लिख लेंगे हम गिवन डैट कॉट इनवर्स माइनस में वन बाई क्या रूट थ्री। अरे बात सर अब हम आप लोग जानते हैं
कि क्या यहाँ पे cot इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं पाई माइनस cot इनवर्स क्या थीटा। तो आगे सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ पे यूजिंग साइड में लिख देंगे एक बॉक्स में cot इनवर्स माइनस थीटा बराबर जानते हैं पाई माइनस cot इनवर्स क्या थीटा। तो यहाँ पे वही बात करेंगे, बोले माइनस के रूप में है तो यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स और यहाँ से वन बाई क्या आप देखो वन बाई रूट थ्री किसका मान होता है cot इनवर्स का, तो cot 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या पाई माइनस cot इनवर्स इंटू cot पाई बाई क्या थ्री। अब यहां से एक फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे तो cot इनवर्स इंटू cot थीटा बराबर क्या थीटा। तो यहां पे थीटा के रूप में कितना है पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब बोलो तीन एकम तीन, तीन में से गया दो यानी टू पाई बाई थ्री। अब बताओ टू पाई बाई थ्री ये मेरा आंसर सही है कि गलत। तो हम जानते हैं क्या cot इनवर्स का रेंज जो जानते हैं वो जीरो से लेके कहां तक पाई तक। अब बताओ जीरो से बड़ा और पाई से क्या छोटा, तब देखो यहां से यार ये तो ऑलरेडी क्या है छोटा है, क्यों देखो देख लो टू गुने पाई, पाई का मान कितना 180 डिग्री पाई थी बोलो कितना हो गया यानी कितना डिग्री 120 डिग्री। तो जीरो से बड़ा और 180 से छोटा बोलो ये रेंज हमारा क्या है सही है, ये आपका आंसर क्या है सही। तो अब आपका 2.1 का एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज में 2.1 का। अब यार हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में चलेंगे, मिसलेनियस आपका कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। इसमें भी कह रहा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लेते हैं एक का सोल्यूशन। तो कह रहा है काची साइन इनवर्स माइनस में 1/2 तो यहां पे लिखेंगे गिवन दैट गिवन दैट साइन इनवर्स माइनस में 1/2 साइन इनवर्स माइनस में 1/2। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम एक यूजिंग फार्मूला यूज करेंगे, कर देते हैं यूजिंग फार्मूला क्या साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब देखो यहां पे लिखेंगे यहां पे माइनस में साइन इनवर्स का है कि माइनस हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि माइनस वन इंटू साइन इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स क्या थीटा। तो यहां पे हो जाएगा साइन सॉरी 1/2 का हो गया। अब तो साइन का मान ही रखना है तो यहां पे हो जाएगा क्या माइनस साइन इनवर्स और यहां पे हो जाएगा साइन पाई बाई कितना 6। तो एक फॉर्मूला और जानते हैं हम क्या साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर क्या थीटा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस पाई बाई क्या 6। अब देखो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा तो ये लाइज कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया आंसर ठीक है। तो हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कॉस इनवर्स रूट 3/2 यहां पे लिखेंगे गिवन दैट cos इनवर्स और यहां पे लिखेंगे क्या √3/2। अब बताओ यहां पे किसका मान √3/2 होता है cos का तो cos 30 का मान होता है तो यहां पे लिखेंगे cos इनवर्स इंटू cos कितना π/6। तो यहां पे हम फॉर्मूला जानते हैं क्या cos इनवर्स इंटू cos थीटा बराबर क्या थीटा।
तो यहाँ पे फॉर्मूला खर्च हो गया कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर क्या थीटा, तो यहाँ पे पाई बाई सिक्स, यानी ये आपका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कॉस का जो वैल्यू होती है वो जीरो से बड़ा, और जो रेंज होती है जीरो से बड़ा और पाई से छोटा। तो अब हम चलेंगे इसको लिख लो, या ना तो समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ, थर्ड क्वेश्चन में। कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स टू, अब देखो यहां से अब हम जानेंगे, बताओ कॉसेक इनवर्स की कौन सी वैल्यू टू होती है। तो हम जानेंगे यहां पर लिखेंगे कॉसेक, यहां पर लिखेंगे पाई बाई सिक्स। तो यहां पे कितना हम जानते हैं कौन सी फॉर्मूला, यूजिंग फार्मूला के लिए, यूजिंग फार्मूला कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा थीटा का मान कितना पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर। हम जानते हैं क्या माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा, बोले ये लाइक कर दिया, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या कराया सॉल्यूशन, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, यहां पे लिखेंगे टेन इनवर्स, एक ही फॉर्मूला यूज कर दो, यूजिंग फॉर्मूला tan इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो यहां पे खर्च हो जाएगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगी तो tan इनवर्स और यहां पे रूट थ्री। अब यहां पे जो रूट थ्री tan का ऐसा कौन सा मान जो है वो रूट थ्री होगा, तो यहां पे लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan रूट tan पाई बट्टा थ्री। अब हम जानते हैं टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा बराबर थीटा, तो बोलो थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई बट्टा थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखो आप लोग के समझ में आ ही गया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फाइव, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, यहां पे अब लिखेंगे क्वेश्चन तो दिया हुआ है, लिखेंगे सबसे पहले वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या नाउ, अब बताओ इसका यूज करके ये फॉर्मूला कर देंगे माइनस सॉरी इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स यहां पे वन बाई टू। अब बताओ यहां पे कॉस का ऐसा कौन सा मान जो है जो वन बाई टू है, तो यहां पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स और यहां पे कॉस पाई बट्टा क्या हो जाएगा थ्री। अब यहां पे लिखेंगे, अब हम जानते हैं क्या कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर थीटा, तो बोलो थीटा का मान कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री, तो पाई माइनस पाई बटा थ्री। और इसका हम रेंज जानते हैं कॉस का जो रेंज, कॉस इनवर्स का जो रेंज जानते हैं जीरो से लेके कहां तक पाई तक, तो देखो तीन एकम तीन, तीन में से गया तो टू पाई बट्टा थ्री,
ये ऑलरेडी 120 है, जो 0 और 180 के बीच में काची कर रहा, लाइक कर रहा। तो अब हम जानेंगे लास्ट क्वेश्चन, टैन इनवर्स माइनस वन। तो यहां पे हम जानते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे गिव एंड डाइट टैन इनवर्स माइनस वन। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला फार्मूला क्या, टैन इनवर्स इंटू माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन इनवर्स थीटा। तो यहां पे माइनस बोलो बाहर निकाल दिए यार, तो यहां पे हो गया टैन इनवर्स क्या वन। अब बताओ टैन का जब बोले कि टैन का मान ही रखेंगे हम, तो बोलो यहां पे किसका मान रख दें, माइनस में टैन इनवर्स वन और यहां पे टैन पाई बट्टा फोर। अब बोलो टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा बराबर थीटा, यहां पे पुट कर दें टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा बराबर क्या हो गया थीटा। तो यहां पे थीटा का मान हो गया माइनस में पाई बाई फोर, तो आपका ये आंसर हो गया। तो हम यार 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम दे दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का डालेंगे। तो गुड नाइट, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।